आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल माई सिलेबस में स्वागत है। आज हम रेलवे गुड्स गार्ड भर्ती के फुल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। साथ ही हम आपको इसके प्रमोशन पॉलिसी को भी बताएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो रेलवे गुड्स गार्ड से संबंधित है इस वीडियो में मिलेगा। हम इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिले और आप इसका लाभ उठा पाएं। लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुड्स गार्ड का जॉब प्रोफाइल यानी इनका कार्य क्या है। तो गुड्स गार्ड का जॉब प्रोफाइल मालगाड़ी के सुचारू और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करना होता है। गुड्स गार्ड को गाड़ियों को सुरक्षित चलाने के लिए पूरे गठन की जांच करनी होती है, साथ में मालगाड को गाड़ियों का दरवाजा और ब्रेक का भी ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही जो इसका भार होता है, वैगनों की संख्या होती है, भार टन होता है, उसको दस्तावेज के रूप में तैयार करना होता है। गुड्स गार्ड के प्रमोशन पॉलिसी की बात करें तो सबसे पहले गुड्स गार्ड, उसके बाद पैसेंजर गार्ड, फिर एक्सप्रेस गार्ड, फिर सेक्शन कंट्रोलर, उसके बाद चीफ कंट्रोलर भी बन सकते हैं। सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके मुख्य चार स्टेजेज हैं। पहला है रिटेन एग्जाम, जिसमें आपको दो एग्जाम देने पड़ेंगे, CBT 1 और CBT 2। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा यानी टाइपिंग टेस्ट, फिर मेडिकल एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। आइए एग्जाम पैटर्न को हम डिटेल में समझते हैं। CBT 1 जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न, मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वहीं CBT 2 यानी मेन्स एग्जाम की बात करें तो आपके प्रश्न जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स से 35 प्रश्न होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 प्रश्न होंगे। टोटल आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 120 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल होंगे यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पूछा जाएगा। मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक सही आंसर करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर आपने एक गलत आंसर किया तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यानी अगर आपने 4 प्रश्न गलत किए और 1 प्रश्न आपने सही किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अब आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले हम एज लिमिट को जान लेते हैं। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल है और एज रिलैक्सेशन ST SC और OBC कैंडिडेट का एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को ग्रेजुएशन की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अनिवार्य है। मेडिकल टेस्ट में आपका आई टेस्ट बहुत जरूरी है। आई टेस्ट में आपका डिस्टेंट विजन 6x9 बिना ग्लास के होना चाहिए और इसमें कोई फॉगिंग टेस्ट नहीं है। नियर विजन आपका 0.6 बिना ग्लास के होना चाहिए और साथ में आपको कलर विजन, बायनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन का टेस्ट पास करना होगा। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट का इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट होना अनिवार्य है। गुड्स गार्ड के सैलरी की बात करें तो इनको 7th पे कमीशन लेवल 5 की सैलरी दी जाती है। ज्वाइनिंग के समय इनिशियल सैलरी इनकी 29,200 रुपये होती है। 45 दिन का ट्रेनिंग खत्म करने के बाद इनको DA, TA, HRA और फर्नीचर अलाउंस भी दिया जाता है। सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, डिसमिल्स, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोमेट्री, फ्रैक्शंस, एलिमेट्री स्टैटिस्टिक्स से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे से आप इस सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म,
जंबलिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वेन डायग्राम, पजल्स, डेटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, इससे आपके प्रश्न होंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कंस्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमन एब्रिविएशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। साथ ही आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपके जो भी प्रश्न हो आप कमेंट्स के जरिए हमें बताएं, हम उसका आंसर करेंगे। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।